नमस्कार दोस्तों, टेक विश्व में आप सभी का फिर से स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट गौरव, और आज के इस टेक्नो सेशन के अंदर हम बात करेंगे रिलायंस जियो के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आपने पिछले कुछ दिनों में काफी सारे रूमर्स सुने होंगे रिलायंस जियो के वेलकम ऑफर के बारे में, जो कि एक्सटेंड हो सकता है मार्च 2017 तक। ये बात जो है वो कहीं ना कहीं कुछ हद तक सही है और कुछ हद तक गलत भी, क्योंकि कोई ऑफिशियली अनाउंसमेंट इसके बारे में अभी तक नहीं हुई है। बट फिलहाल की कंडीशन के अंदर माना यह जा रहा है कि धीरूभाई अंबानी का जो बर्थडे है 28 दिसंबर, 28 दिसंबर को जो उनका बर्थडे है, तब जो है ये अनाउंसमेंट हो सकती है कि वेलकम ऑफर जो है रिलायंस जियो का वो एक्सटेंड हो सकता है मार्च 2017 तक। बट इसकी कोई ऑफिशियली अनाउंसमेंट अभी नहीं हुई है, बट ऐसा माना जा रहा है कि हो सकती है इसकी ऑफिशियली अनाउंसमेंट 28 दिसंबर, 28 दिसंबर को जो है इसकी अनाउंसमेंट हो सकती है धीरूभाई अंबानी के बर्थडे दिवस पे। वेल गाइस, कहीं ना कहीं रिलायंस जियो जो है अपने 100 मिलियन सब्सक्राइबर्स के टारगेट को जो है पाना चाहता है, इसीलिए वो 3 महीने और एक्सटेंड कर सकता है इस वेलकम ऑफर को, तो काफी अच्छी बात है। और यूजर्स जो हैं जो ऑलरेडी यूज कर रहे हैं रिलायंस जियो को, तो उनके लिए काफी अच्छी बात होने वाली है। कहीं ना कहीं रिलायंस जियो का जो परफॉर्मेंस है इंटरनेट को लेके, 4G स्पीड को लेके, वो थोड़ा डाउन हुआ है, बट फिर भी जो है यूजर्स जो है वो काफी खुश है, क्योंकि मैंने खुद पर्सनल एक्सपीरियंस किया है। मेरे पास खुद के पास जो रिलायंस जियो है, और अगर मुझे फ्री में डेटा मिल रहा है फिलहाल के लिए, तो मैं काफी खुश हूँ, क्योंकि मुझे इनफ डेटा मिल जाता है। कभी कभार स्पीड भी जो है वो अच्छी आ जाती है, वेरी कर जाती है, तो वो काफी अच्छी बात है रिलायंस जियो के बारे में। और अगर वेलकम ऑफर जो है वो एक्सटेंड होता है, तो ये तो काफी अच्छी बात है, और यूजर्स तो काफी खुश होंगे इस बात को लेके। और किसी इस वीडियो के अंदर बस इतना ही था। आगे और भी ऐसे एक्साइटिंग टेक न्यूज के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और हाँ, इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि और भी जो आपके रिलेटिव्स, आपके फ्रेंड्स लोग हैं, वो इस न्यूज के बारे में जान पाए। गाइस, मैं आपको मिलता हूँ अगले और एक्साइटिंग वीडियो में। तब तक हैव अ गुड डे, बाय बाय एंड स्टे सेफ।